आइए सभी परम प्यारे परमेश्वर से श्रद्धा भाव से जुड़ें, उसके चरणों में निवेदन करें कि अब तक तो बहुत अच्छा बीत गया, परमेश्वर आने वाला समय भी अच्छा बीते, सबका मान रहे, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट, सबके घरों में खुशहाली हो, हर कोई प्रेम प्यार से अपने रिश्तों को निभाए। जानते हैं कि परमेश्वर ही है जो सबके कर्मों को तोलता है, कोई तो है जो इस पूरे संसार की शक्ति है, कोई तो है दुनिया में जो तय करता है किस्मत पत्थरों की, कोई तो है जो तय करता है किस्मत पत्थरों की कि किसको ठोकरों में रहना है और किसको भगवान बनना है। उस प्यारे से जुड़ते हुए उसका नाम उच्चारण करेंगे। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो
जीवन लगातार गतिमान है नदियों की धारा की तरह, और हम सभी सुख दुख के किनारों के बीच जीवन की धारा को बहाते चले जा रहे हैं। संसार संयोग वियोग का संसार है, सुख दुख का, मान अपमान लेना देना पाना खोना, यही संसार का रंग रूप है। नहीं कह सकते कि आने वाला समय किस तरह का होगा, लेकिन जो भी है जैसा है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में बाकी बचाना कोए। इस तो सब रहे हैं, पर कबीर के बेटे ने कहा था, चलती चाकी देख कर राह कमाल ठटाए, कीली पासे जो रहे उनकी पिसे बलाए। जो दाने कीली के साथ जुड़े रहते हैं, चक्की के पाट उसे पीस नहीं पाते। तो यदि हम परमेश्वर से जुड़े रहेंगे, निश्चित ही वो हाथ हमारा पकड़े रहेगा, तो सुख दुख के पाटों से पीसने से बच जाएंगे, संभले रहेंगे। इसलिए दो घड़ी अपने प्यारे के साथ संबंध जोड़ने की चेष्टा करिए, और सारे रिश्ते काम नहीं आएंगे, लेकिन परमात्मा का रिश्ता जरूर काम आएगा। और सब नज़र मुंह फेर सकते हैं, लेकिन परमात्मा आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ेगा। उसका साथ लीजिए, उसका सहारा लीजिए, उसी से कल्याण होगा। अन्यथा ये दुनिया तो आपको रुलाने में ही लगी है। शमशान घाट के बाहर लिखा था, शमशान घाट के बाहर लिखा था कि मंजिल तो तेरी यही थी यहाँ आने की, मंजिल तो तेरी यहीं थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। सारे जिंदगी तो जलाते रहे, दिल जलाते रहे, आखिर में तन बचा था वो भी जला दिया। तो मंजिल तो तेरी यही थी, जिंदगी गुजर गई आते आते, तो इसलिए अच्छा यही है। सहारा लो भगवान का, जिसका सहारा लेने से कल्याण।